मोटोरोला बहुत जल्द अपना एक 5G फोन लॉन्च करने वाली है जो कि मोटोरोला नियो नाम से दोस्तों लॉन्च होगा। कब तक लॉन्च होगा और क्या इसका प्राइस होगा दोस्तों, और इंडिया में यह कब तक देखने को मिलेगा आपको, सब कुछ बताएंगे दोस्तों, देखते रहिए इस पूरी वीडियो को। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में, और मैं आज फिर से नई वीडियो के साथ बात करेंगे मोटोरोला नियो की। दोस्तों सबसे पहले बात कर ली जाए इसके डिजाइन की, तो इसमें आपको बैक साइड में ट्रिपल ईयर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है जो कि डुअल एलईडी फ्लैश के साथ आता है, और दोस्तों इसमें राइट साइड में पावर बटन और वॉल्यूम बटन दोनों एक साथ देखने को मिलेंगे, और नीचे दोस्तों आपको टाइप सी पोर्ट और इसके साइड में दोस्तों आपको स्पीकर देखने को मिलेगा। दोस्तों कुछ लीक सामने आई है इसकी स्पेसिफिकेशन की, तो मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या आपको स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेगी। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर ले जाए इसकी डिस्प्ले की, तो दोस्तों एक लीक से पता लगा है कि इसमें आपको फुल एचडी प्लस डिस्प्ले देखने को मिलेगी जो कि 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ होगी, और दोस्तों इसमें आपको कर्व डिस्प्ले देखने को मिलेगी, इसमें आपको दोस्तों पंच होल डिस्प्ले भी होगी। अगर बात कर ले जाए दोस्तों इसके कैमरे की, तो इसमें आपको बैक साइड में ट्रिपल ईयर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जिसमें दोस्तों मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का होगा, और दोस्तों 16 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आपको डुअल एलईडी फ्लैश के साथ मिलेगा ये। बैक साइड में दोस्तों आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा जो कि मोटो की ब्रांडिंग के साथ होगा। अगर बात कर ली जाए दोस्तों इसके प्रोसेसर की, तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन 865 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, और दोस्तों इसमें आपको 2 वेरिएंट देखने को मिलेंगे जो कि है दोस्तों 8GB रैम और 128GB मेमोरी, और दूसरा है दोस्तों 12GB रैम और 256GB इंटरनल मेमोरी के साथ। अगर दोस्तों बात करें जाए इसके फ्रंट कैमरे की, इसमें दोस्तों आपको डुअल सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा जो कि 16 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल के साथ आएगा, और दोस्तों इसमें आपको 4510mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। दोस्तों ये थी मोटोरोला नियो की कुछ लीक जो कि सामने आई थी, और दोस्तों हमने आपको बता दिया। अगर दोस्तों इसके बारे में कोई और अपडेट आती है तो हम आपको जरूर बताएंगे, इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियो को मिस ना कर सके, और दोस्तों जैसे कोई अपडेट आए आपको तुरंत पता लग सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।